अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट हाउ यू कैन मेक डीआईवाई लिक्विड ब्लश एट होम। और ये आप बहुत इजीली बना सकते हैं। मैंने बहुत से मेथड्स ट्राई किए हैं लिक्विड ब्लश बनाने के, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। रिसेंटली आई गॉट ऑब्सेस्ड विद लिक्विड ब्लशेज, मतलब कि शी ग्लैम के जो हैं, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैम। उसके अलावा रेयर ब्यूटी के, नार्स वगैरह के लिक्विड ब्लशेज भी हैं, बट दे आर रियली रियली एक्सपेंसिव। तो लाइक अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप डीआईवाई लिक्विड ब्लश बना सकते हैं, जो कि सेम एक्जैक्टली वैसा काम तो नहीं करेगा, बट हाँ इससे आपका काम चल सकता है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले आपने कोई भी लिप ग्लॉस का या कोई भी लिपस्टिक का कंटेनर ले लेना है, और आपने एक मिक्सिंग पैलेट लेनी है। अगर मिक्सिंग पैलेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आई शेडो पैलेट की लिड यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप कोई प्लेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद आपको चाहिए होगी फाउंडेशन। फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते तो बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और फाउंडेशन में यहाँ पे मिस रोज़ की यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। सो अराउंड 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें फाउंडेशन ऐड की है, ठीक है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने जो बनाई है ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी टाइम आपकी यूज़ हो जाएगी। सो इसमें मैंने फाउंडेशन ऐड कर दिया है। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए, और मतलब कि पूरा इसको मिक्स करना है अच्छे से, इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आपने कोई सा भी सीरम या प्राइमर ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये नायसिनमाइड सीरम यूज़ कर रही हूँ। वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है इसकी, वो थोड़ी सी थिक है, मतलब कि बहुत अच्छी सी है। लाइक ज़्यादा आपकी जो सीरम है उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, रेनी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई सीरम नहीं है जो थोड़ा सा थिक हो, तो आप लाइक प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो डेट्स अप टू यू, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसकी सीरम की क्वांटिटी कम लग रही थी, सो मैंने इसको दोबारा से ऐड किया है। इसको मिक्स करने के बाद आपने कोई सा भी पाउडर ब्लश लेना है और उसको थोड़ा सा स्क्रैच करना है। आप आई शेडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से स्क्रैच करने के बाद मैं जो है, जो हमने फाउंडेशन मिक्स की थी सीरम के साथ या प्राइमर के साथ, उसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और लाइक आपने जिस शेड का भी ब्लश बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है कलर ऐड कर सकते हैं, ब्लश का या फिर आई शेडो का। दो हैव टू ऐड फूड कलर, और फूड कलर यूज़ करना टोटली सेफ है। आप टिंट्स वगैरह में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और जिससे आपकी स्किन को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने इसको कैप में ऐड कर लिया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको बॉटल से ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा भी डल सकता है। सो इस तरह से 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। सो यहाँ पे क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है फूड कलर, तो इसको मिक्स करना मुश्किल होगा थोड़ा सा, बट हाँ आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है ना टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट ये मिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अगेन पाउडर ब्लश, ताकि जो है हमने लिक्विड कलर जो डाला है वो पाउडर के साथ मिक्स होके तो फिर वो फाउंडेशन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि जो लिक्विड हमने ऐड किया है वो इतनी ईजिली मिक्स नहीं होगा, तो 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। सो इस पॉइंट पर आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है, बट अभी भी थोड़ा बहुत लिक्विड जो है वो मिक्स नहीं हुआ था, और मुझे इसका शेड थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन ऐड किया है इसमें, कि मुझे जो पीची पिंक सा इसका शेड चाहिए था, एग्जैक्ट वैसा शेड आ जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया, और अब कम्प्लीटली सब कुछ इसमें मिक्स हो गया। सो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी कंटेनर में। सो यहाँ पे मैंने इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और यहाँ पे आपको इसका शेड थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, बट ये पीच और पिंक टाइप का इसका शेड है। और मैं आपको इसका स्वॉच वगैरह भी दिखाती हूँ, और साथ में अप्लाई करके दिखाऊँगी कि किस तरह से ब्लेंड होता है एंड ईच एंड एवरी थिंग। सो यहाँ पर मैं आपको रेस्ट पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, या आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े से अप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मूद है इसका टेक्सचर, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, जो नॉर्मल टेक्सचर होता है लिक्विड ब्लशेस का वैसा है। और आपने इसको फ़ौरन से ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना तो ये इजीली ब्लेंड नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जल्दी से ब्लेंड कर लिया, और इसका कलर बहुत अच्छा है, पीच और पिंक मिक्स शेड है इसका। सो ये इसका शेड है नॉर्मल लाइट में, और सनलाइट में भी इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अप्लाई किए हुए, और ब्लेंड भी बहुत इजीली हो जाता है, और आप इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, और अगर आप इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप के आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।